हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है माय पाठशाला पे। आज हमारे ज्योमेट्री का सेशन नंबर 07 और इससे पहले 6 सेशन हो चुके हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने पिछले सेशन मिस किए हैं, प्लीज़ जाके उन सेशन को देखिए। जो फर्स्ट टाइम ये सेशन देख रहा है, तो आपको मैं बता देता हूँ, आपने जहाँ से भी ज्योमेट्री पढ़ी है, आप बहुत अच्छी बात है। आप प्लीज़ जाके मेरे सेशन सारे के सारे सेशन लगाइए, आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपका टारगेट होना चाहिए राइट नाउ। क्योंकि एक मेंस के स्टूडेंट का इस टाइम पर टारगेट ये होना चाहिए, जितने अच्छे क्वेश्चन उसको हर टॉपिक से मिल जाए वो लगा ले, ठीक है? क्योंकि थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, थ्योरी पे आप लोग इतने बेस्ड भी नहीं है इस टाइम पे। तो हमारे सेशन की हम लोग बात करते हैं। तो छोटी सी बात और बताना चाहूँगा मैं आपको कि अभी बज रहे हैं शायद 11:15 और मैं आपके लिए वीडियो शूट करने लगा था 9:30 के आसपास। मैंने पूरा 1 घंटे का सेशन रिकॉर्ड करा, फिर मैंने क्या देखा कि पूरे के पूरे वीडियो में साउंड नहीं है क्योंकि माइक्रोफोन बंद था। फिर इतना मेरा एक बार तो गुस्सा सा आया, फिर मतलब यार चल कोई नहीं, बच्चों को मतलब कुछ भी कल को एक बार तो लगा वीडियो नहीं डालता हूँ, बट फिर मेरे को लगा नहीं अब एक बार और रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये सेकेंड टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एक बार मैं वापस से चेक कर लेता हूँ कहीं माइक मैंने ऑफ तो नहीं करा हुआ। ठीक है, माइक्रोफोन ऑन है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे सेशन को। ज्योमेट्री का सेशन नंबर है ये 07 और आज हम लोग देखिए बेसिकली डील क्या करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे किसकी, आज हम लोग बात करेंगे सीवियन की। सीवियन की पूरी बातें होने वाली है सेशन में। सीवियन बेस्ड क्वेश्चंस हम लगाने वाले हैं और काफ़ी नई चीज़ें सीखेंगे आप लोग, काफ़ी बेहतर चीज़ें सीखने हैं। ठीक है, शुरू करते हैं सीवियन से। तो पहली बात तो इसकी परिभाषा क्या होती है सर ये? तो देखिए, मैंने आपको एक चीज़ पता है, एक ट्रायंगल अगर मैं बनाता हूँ तो एक ट्रायंगल में एक वर्टेक्स से कोई भी लाइन आके अगर किसी साइड पे आके गिर रही है, ठीक है? अब देखिए कुछ भी हो सकती है, ये परपेंडिकुलर भी हो सकती है, ये एंगल बाइसेक्टर भी हो सकती है, ये मीडियन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है? वो सब एक सीवियन के पार्ट है, लेकिन एक जो लाइन है ये लाइन अपने आप में क्या है, एक सीवियन तो है ही है, ठीक है? जिस तरीके से हर एक नंबर तो है ही है, अब वो डिपेंड करता है होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, क्या नंबर है। इसी तरीके से हर एक लाइन सीवियन तो है ही है, जो भी किसी एक वर्टेक्स से शुरू होती है किसी साइड पर आके गिर रही है, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ अगर ये ए बी सी है और ये ए डी है, तो ए डी यहाँ पे क्या है, एक सीवियन है, ठीक है? तो सीवियन को मैंने सही से परिभाषित कर दिया है। और सीवियन के जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी सीवियन के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग जो भी डील करने वाले हैं, तो सीवियन के क्वेश्चंस के अंदर आपको एक बेसिक सी चीज़ है, वो है स्टीवर्ड्स थ्योरम, जो कि मैंने मेरे पिछले सेशन में करवाई थी स्टीवर्ड्स थ्योरम, और उस पर क्वेश्चंस मैं अच्छे से करवा नहीं पाया था आप लोगों को और 2-3 क्वेश्चन ही हो पाए थे। तो आज स्टीवर्ड्स थ्योरम और सीवियन दोनों मिलने वाले हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, मतलब काफ़ी इंटररिलेटेड चीज़ें हैं। स्टीवर्ड्स थ्योरम उन्हीं क्वेश्चनों में अच्छे से लगती है जहाँ पे कोई रैंडम सीवियन दी होती है, ठीक है? जहाँ पे आपको कोसाइन रूल लगाना पड़ता है, क्वेश्चन को बड़ा करना पड़ता है, तो उससे बेटर है कि आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करें। तो मैं आपको पहले एक बार एक स्टीवर्ड्स थ्योरम रिवाइज करवा देता हूँ जिन बच्चों को याद से निकल गया, ठीक है? थ्योरम क्या है, अगर एक ट्राइंगल है, जस्ट अ सेकेंड, अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस ट्रायंगल में एक सीवियन खींच दिया। जस्ट अ सेकेंड, ये क्या क्या हो रहा है, यहाँ से मैंने एक लाइन खींचना शुरू किया, मैंने लाइन खींची है, ठीक है? अब ये लाइन खींच दी मैंने, ए बी सी एक ट्रायंगल था। और देखिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर सी के सामने सी साइड है, बी के सामने साइड है बी, ये वाली साइड है ए, आप कहेंगे सर ये एम और एन में बटी हुई है, ठीक है? ये साइड एम और एन में बटी हुई है, यानी कि एम है और ये वाली लेंथ कितनी है, आप बोलेंगे सर ये वाली लेंथ है एन है, ठीक है? तो स्टीवर्ट्स थ्योरम क्या स्टेट करती है, स्टीवर्ट्स थ्योरम बोलती है कि देखिए सी का जो स्क्वायर है उसको मल्टीप्लाई करिए एन के साथ, यानी कि सी स्क्वायर इंटू एन प्लस बी का जो स्क्वायर है उसको मल्टीप्लाई करिए एम के साथ, बी स्क्वायर इंटू एम बराबर किसके होगा, आप बोलेंगे कि सर बराबर होगा ए टाइम्स, यानी कि ए पूरी लेंथ, ए टाइम्स किसके, आप बोलेंगे सर ए टाइम्स इंटू ये, अगर लेंथ मैं बोलूँ ए डी, ए डी एक्स है, ए डी अगर एक्स है तो ए टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम इंटू एन। ये है स्टीवर्ट्स थ्योरम, जो कि कोसाइन रूल से इजीली डिराइव भी हो जाती है अगर आप करना चाहें तो, स्टीवर्ट्स थ्योरम है, ठीक है? तो सारे के सारे सीवियन, और देखिए एक बेसिक सा क्वेश्चन आपका बन सकता है इसके ऊपर बेस, सीवियन के ऊपर बेस, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन भी हो सकता है वैसे तो। अगर सारे के सारे सीवियन को अगर मैं मिला दूँ एक ट्राइंगल के, तीनों के तीनों सीवियंस को मिलाया मैंने, पता है कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं? देखिए आप इसको कोशिश करिए, सोचने की कोशिश करिए, आंसर इसका आता है 16, ठीक है?
तो स्टीवर्ड सोरम आपको बता चुका हूँ, अब इसके एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं कि स्टीवर्ड सोरम से आप और सीगन को लगा के आप कैसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख देता हूँ, एक रैंडम डाटा, आंसर अजीब भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट आंसर आना चाहिए सभी लोगों का। एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, ये साइड है 3, ये साइड है 4, ये वाली 2 है, ये वाली 3 है, पीछे मैंने क्या कर दिया, मैंने एक सीगन डाल दी। ठीक है, अब मेरे से मेरे को पूछना है कि इस सीगन की लेंथ बताइए क्या होने वाली है, तो आप बोलेंगे सर स्टीवर्ड सोरम लगा दो, आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि क्या होगा, 3 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 2 बराबर किसके होना चाहिए, आप बोलेंगे सर 3 प्लस 2 5 इंटू x² प्लस 3 गुना 2 यानी कि 6। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 27 प्लस 32 बराबर 5 x² प्लस 30, या फिर 5 x² को आप बोल देंगे सर किसके बराबर आ जाएगा, 29 के, तो x बराबर किसके आ जाएगा, √29/5। x किसके बराबर आ गया, आप बोलेंगे सर √29/5, यानी कि ये जो सीवीएन की लेंथ है वो कितनी आई है, √29/5। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन आपको बस रैंडम क्वेश्चन से आपको आंसर निकालना है हर एक क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक ट्राइंगल है जिसकी आपको नाम दिया है मैंने ए बी और ये सी, ये आपको लेंथ दी हुई है 14, ये आपको लेंथ दी हुई है 13, यहाँ से एक सीवियन डाल दी मैंने। ठीक है, यहाँ से मैंने सीवियन डाल दी है, ये आपका 8 है, ये आपका 7 है, और आपसे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया गया है, आपसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ डी ई, डी ई की लंबाई ज्ञात करें, क्या होने वाला आपका डी ई। तो देखिए इसको करने के क्या तरीके हैं, आपको पता है कि एक ट्राइंगल है जिसकी अगर मैं डायमेंशन 13 14 15 बोलूँ तो आपको उसका एरिया याद होगा 84 होता है, 84 क्या होता है, इसका एरिया होता है। और आपको एक बेसिक सी चीज़ ये भी पता है कि अगर एक ट्रायंगल है उसके बेस के ऊपर अगर एक लाइन खींच देते हैं, अगर ये 3 है ये 4 है, तो रेशियो भी किस रेशियो में होता है, 3:4 में ही होता है, एरिया का रेशियो, किसका रेशियो, एरिया का रेशियो, सेम रेशियो में रहता है जिसमें साइड रेशियो रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एरिया 84 है तो यहाँ पर किस तरीके से बटेगा, आप बोलेगा सर यहाँ पर 8 टाइम्स और यहाँ पर 7 टाइम्स, यानी कि 15 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 84। मेरे को बेसिकली देखिए कौन सा एरिया चाहिए, मेरे को इस वाले ट्रायंगल का एरिया चाहिए, कौन सा वाला ट्रायंगल का एरिया चाहिए, इस वाले ट्रायंगल का एरिया चाहिए, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, डी ई चाहिए, डी ई वैसे ही निकल के आएगा। तो 15 की वैल्यू अगर 84 है तो आपको 7 की वैल्यू चाहिए, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे सर 84/15 × 7, ये आपका क्या आ गया, आप बोलेंगे सर ये मेरा एरिया आ गया, कौन सा एरिया आ गया, मेरे पास ए डी सी का एरिया ईजिली मैंने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर होगा, बिल्कुल ए डी सी का एरिया मैंने निकाल दिया है, इसी को मैं किसके बराबर रख सकता हूँ, आप बोलेंगे सर 1/2 × बेस, बेस क्या है 13 इंटू हाइट, हाइट या है डी ई जो मेरे को चाहिए। अब देखिए डी ई आप बोलेंगे सर डी ई निकल के आ जाएगा, डी ई बराबर किसके आ जाएगा, 2 को और 13 को ऐसे उल्टा कर दिया, 84 15 और ये हो गया 7। तो आप इसको सोल्व करिए, रैंडम क्वेश्चन था, कट पिट नहीं रहा होगा, बट आपको मेन चीज़ आपको तरीका सीखना है। ठीक है, आपने सीखा, आपको पता चला कैसे क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब जितने भी विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं उनके लिए एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ, और आपको इसका सोल्यूशन देना है, और आप जितना तेज़ी से दे पाएँ उतना बेटर है। क्वेश्चन आपके सामने है, ये एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में ये साइड 6 है, ये साइड 8 है, और ये मैंने क्या करा, मैंने एक सीवियन डाल दिया, ये भी 6 है, ये भी 4 है, और ये आपकी लेंथ है 90 डिग्रीज पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये डी पॉइंट ले लो, ये ई पॉइंट ले लो, ये ए है, ये बी है, और ये वाला पॉइंट है आपका सी। आपको फिर से वही क्वेश्चन है, डी ई की लेंथ बताइए क्या होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ठीक है, आपको देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। आपको पता है कि देखिए 6 ये 8 है ये 10 है, तो यानी कि ये भी आपकी लेंथ जो होने वाली है क्या होने वाली है, आप बोलेंगे सर ये 90 डिग्रीज होने वाला है, कौन सा, ये वाला पार्ट, अगर ये 90 डिग्रीज हो गया तो आप बोलेंगे कि सर 90 डिग्रीज हो गया तो एरिया कितना आ जाएगा इस ट्रायंगल का, आप बोलेंगे सर 6 × 8/2 यानी कि 24, 24 क्या आ गया, एरिया आ गया, और 24 जो है वो किस रेशो में बटेगा, 6:10 में, यानी कि 10 की वैल्यू 24 है, 1 की वैल्यू 2.4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे सर 9.6, ट्राइंगल ए डी सी की वैल्यू आ गई, जो एरिया है वो 9.6 है, जो कि बराबर हो जाएगा 1/2 × DE × बेस, बेस कितना है 8 के, तो आप कहेंगे सर ये कितना आ जाएगा, 4 से भाग कर दो 2.4, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा, बट देखिए मैंने आपको बोला था कि कुछ अलग तो होगा इस क्वेश्चन में, तो अलग क्या है, अलग कुछ भी नहीं है, बस जो आपने अभी तक पढ़ा है वही अलग है। अगर ये 90 डिग्रीज आपको दिख रहा है, ध्यान से देखना, अगर आपको ये 90 डिग्रीज दिख रहा है और यहाँ से ये लाइन आई है, ये भी 90 डिग्रीज दिख रहा है, तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल पैरेलल दिख रही है, अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो आप थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, अगर ये 4 है, ये पूरी की पूरी कितनी है 10 है, तो 4/10 अगर आपको रेशियो मिल रहा है तो यही रेशियो इसके साथ भी होना चाहिए, डी ई बाई ए बी यानी कि 6, तो आप बोल देंगे सर डायरेक्टली डी ई निकल के आ जाता 2.4, इतना सारा माथा पच्ची करने की जरूरत ही क्या थी। ठीक है,
तो ये, लेकिन हर बार आप ऐसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आपको मिल गया 90 डिग्रीज बाई चांस, तो आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके सिखाए। आपके लिए मैं एक और क्वेश्चन डाल देता हूँ, आपको सोल्व करना है खुद से। क्वेश्चन है, ये मैंने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल बनने के बाद इसको मैंने दिया 4, ये आपकी 5 है, ये आपकी लाइन थी यहाँ से खींची मैंने, ये आपकी 1 सेंटीमीटर है और ये आपकी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 5 थी और वो 4 थी। अब देखिए मेरे से क्या बोला गया है, मेरे से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खिंचवा लिया गया है और इससे आपके इसी की लेंथ पूछ ली गई है, ठीक है, ए डी की, ए डी नहीं सॉरी, डी ई की लेंथ। तो इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, मैं ही करवा देता हूँ। वैसे तो 4 है, ये 3 आपको पता है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा। एरिया इसका आ जाएगा 6, 6 को आप बांटोगे 1:2 में, यानी कि ये एरिया रहेगा 2 और ये अंदर वाला एरिया आ जाएगा 4, और 4 को आप बराबर कर दोगे किसके, 1/2 × बेस × हाइट, यानी कि 5 गुना जो आपकी डी ई है, तो आप कह देंगे सर ये आ जाएगा 8/5 डी ई की लेंथ, जो क्या जाएगी 1.6। इजी सा क्वेश्चन था, इजी सा ही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख देता हूँ और इसको ट्राई करना। क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर ये सारी साइड्स है 6-6 की, ठीक है, 6-6 की साइड्स है, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और एक यहाँ से मैंने सीवियन खींच दिया है 2√7, एक सीवियन खींच दिया 2√7 इसकी लेंथ है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल रहा है इस साइड पर 90 डिग्रीज का, आपको बताना है इसकी लेंथ क्या होने वाली है। ये ई है और ये पॉइंट डी है, आपको डी की लेंथ पूछी है इस क्वेश्चन के अंदर क्या होने वाली है, डी ई की लेंथ, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ये 6-6 का सब कुछ दिख तो रहा है मेरे को, काफ़ी ठीक भी है अभी तक तो, बट अब कैसे निकाले डी ई की लेंथ। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको लगाना क्या पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा स्टीवर्ट्स थ्योरम, यानी कि अगर ये लेंथ एक्स है तो आप बोलेंगे सर ये लेंथ आ जाएगी 6 − x, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। वो लेंथ अगर एक्स थी तो ये वाली लेंथ होगी 6 − x, तो आपको पता है स्टीवर्ट्स थ्योरम कैसे लगती है। आप बोलेंगे सर 6 का square × x प्लस फिर से 6 का square × 6 − x बराबर आ जाएगा किसके, आप बोलेंगे सर 6 × 2√7 का square + x × 6 − x, ठीक है, स्टीवर्ट्स थ्योरम लगा दिए। अब देखिए 6 square कॉमन लेंगे तो 6 का3 हो जाएगा बराबर 6 गुना, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 7 × 28 प्लस एक्स गुना, ये हो जाएगा 6x − x². अब 6 से 1 6 की पावर तो खत्म हो जाएगी, 6 की पावर 2 रह जाएगा। आप बोलेंगे सर इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी x² − 6x + 8 बराबर किसके आ जाएगा 0 के। तो x की वैल्यू देखिए 2 निकल के आएंगे यहाँ से, एक तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सोल्व किया, यानी कि देखिए अगर आप x यहाँ पे 2 रखोगे या फिर एक बार 4 रखोगे, तो यहाँ पे जब भी आपने 2 रखा तो ये हो जाएगी 4 और ये हो जाएगी 2, ठीक है। तो आपको 2 और 4 दोनों वैल्यूज़ पे 2 रिजल्ट मिलेंगे, 2 आंसर इस क्वेश्चन के पॉसिबल होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे कि सर दो, अब इस तरीके से आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है आगे की प्रोसेस आप खुद से करेंगे, आपको 2 4 तो मिल चुका है। अब आप पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे √3/4 × sin² से, उस एरिया को किस रेशो में बांटेंगे। आप बोलेंगे सर ये 1:2 में वो एरिया बटने वाला है, वो एरिया किस कैसे बटेगा, 1:2 में बटेगा। फिर आप उस एरिया को बांटने के बाद जब आपको इस वाले ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, इस वाले ट्रायंगल का, फिर आप वापस से बेस × हाइट वाला फॉर्मूला लगा के वाली हाइट आप निकालेंगे, वो आपकी मेन चीज़ है, ठीक है, वो आपकी हाइट है कि थोड़ा सा कम आप भी करिए, तो वही चीज़ है। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एक छोटी सी चीज़ है, वो ये है कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, देखिए इसकी साइड अगर ए है, ये भी ए है, और यहाँ से कोई भी सीवियन अगर आ गई और उसने इसको इस तरीके से बांटा कि ये 2a/3 है या a/3 है, ठीक है, 1:2 में बांट दिया, तो इस सीवियन की हमेशा लेंथ होती है a/3√7। ये फिक्स है, आपको याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी वैलिड है, देख लो आपकी साइड किस रेशियो में बटी थी, 1:2 में बटी थी, तो आपका 1:2 में बटी थी, तो a/3√7 होना चाहिए था आपका सीवियन। आप बोलेंगे सर 6/3√7, यानी कि 2√7, ये वाली आपकी 2√7 ही दी हुई थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और आपको मज़ा भी आ रहा होगा काफ़ी, ठीक है। अब देखिए आपको दिखाता हूँ स्टीवर्ट्स थ्योरम की क्या क्या तगड़ी तगड़ी एप्लीकेशंस हैं, कैसे दिखाएंगे। देखो स्टीवर्ट्स थ्योरम की मैं बात कर रहा हूँ, एक ट्राइंगल मैंने खींचा है और मैंने बोला कि ये जो सीवियन है ये क्या है, मीडियन है, ये जो सीवियन है क्या है, मीडियन है। आप बोलेंगे सर ये ABC है, ये D है, तो अगर ये मीडियन है, अगर ये मीडियन है तो आप बोलेंगे कि सर मीडियन है तो मैं बोलता हूँ ये वाली साइड सी होगी, ये वाली साइड बी होगी, ये a/2 और ये वाली साइड भी a/2, ठीक है। तो देखना अगर ये मीडियन है तो मेरे को AD का स्क्वायर चाहिए, तो AD को मैं AD रहने दे रहा हूँ, तो आप बोलेंगे कि सर लगा दो स्टीवर्ट्स थ्योरम, तो C² × a/2 + B² × a/2 = a × AD का स्क्वायर + a² / 4, ठीक है, स्टीवर्ट्स थ्योरम लगाइए। आप कहेंगे सर a और ये a ख़त्म कर दो, C² ये B² + C² बराबर आ जाएगा 2 ऑफ
ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। देखिए ये जो रिजल्ट आया, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी है तो आपको ये चीज़ याद होगी। ये क्या है, इसी को बोलते हैं अपोलनीज थ्योरम। नीज थ्योरम आपने पढ़ी भी होगी, अपोलनीज थ्योरम। तो यही थ्योरम है अपोलनीज थ्योरम, जो कि स्टीवर्ट थ्योरम से आप इजीली निकाल सकते हैं। स्टीवर्ट थ्योरम कोसाइन रूल से आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टीवर्ट थ्योरम में क्या होता है, आपको ये पता चल चुका है कि भाई अगर ये मीडियन है, अगर ये वाली जो सीवियन है ये मीडियन है, तो आप ये थ्योरम इजीली लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर एक बेस्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। पहले क्वेश्चन आए भी है अपोलनीज थ्योरम पे, तो ऐसे सी पूछता ही रहता है क्वेश्चंस। ये अगर आपका मान लीजिए 6 है, ये वाली साइड 8 है, ये वाली साइड आपकी कितनी है 4, या फिर ठीक है ये भी 8 ही ले लो, तो ये वाली भी 4 और 4 हो गई, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, इसकी लेंथ पूछी है, एक्स की लेंथ। तो आपको थ्योरम पता है, आप बोलेंगे सर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर होगा 2x² प्लस 16, ठीक है। अब जगह 8 और 64 प्लस 36 हो गया, यानी कि 50 हो गया, 50 बराबर x² प्लस 16 हो गया, तो x² की वैल्यू आ जाएगी कितनी, आप बोलेंगे सर 34, या फिर x की वैल्यू आ जाएगी √34, ठीक है। रैंडम डाटा था, और सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा अपोलनीज थ्योरम पे क्वेश्चन। देखिए पहले एसएससी पूछ चुका है, ठीक है, और ये आप चीज़ें कर भी चुके होंगे। और देखिए एक और स्टैंडर्ड चीज़ है जो आपको बताना चाहूँगा, वो ये है, अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल में एक एंगल बाइसेक्टर में डाल रहा हूँ, ठीक है, ये वाला एंगल बाइसेक्टर है, इस एंगल को बाइसेक्ट किया थीटा थीटा, ठीक है। तो आपको पता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अगर ये देखिए सी है, ये बी है, ये आपकी ए है, और ये एम है, ये एन है, ठीक है। तो आपको पता है कि सी बाई बी किसके बराबर होता है, आप बोलेंगे सर एम बाई एन। सी बाई बी किसके बराबर होता है, आप बोलेंगे सर इजीली दिख रहा है एम बाई एन के बराबर होता है, जो कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है, ठीक है। तो ये थ्योरम आपको पता है, और इसी के ऊपर बेस देखिए क्वेश्चन क्या होता है, अभी तक आपको ये पता है। उसके बाद देखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है जो स्टीवर्ट थ्योरम से निकल के आता है। अगर आपको ये एंगल बाइसेक्टर वाली जो लाइन है, इस लाइन की अगर आपसे कोई लेंथ पूछ ले, बताइए इस एक्स की लेंथ क्या होने वाली, तो एक्स की लेंथ आपको याद रख रही है x² बराबर होता है किसके, आप बोलेंगे सर बी इंटू सी माइनस एम इंटू एन के, किसके, ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखना चाहिए, डिराइव भी जाता है इजीली। तो इसी पे बेस क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूँ, आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन क्या है। अगर ये 8 है, ये 6 है, और ये लेंथ 7 है, 8 6 और वो लेंथ 7 है, आपसे देखिए क्या बोला है, आपसे एक लाइन खींच दी गई है, ये जो लाइन है ये आपकी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ये क्या है एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये थीटा, ये थीटा है। अभी तक देखिए एसएससी करता क्या था, आपसे ये वाली लेंथ पूछ लेता था, अगर मैं ये एबीसी इसका नाम दूँ, ए बी सी और ये डी है, एसएससी पहले पूछता था बताओ बीडीओ क्या है, डीसी क्या है, अब वो जमाने गए, अब आपसे सीधा पूछेगा एडी क्या है, आप बोलेंगे सर 6 8 4 और 3 का अनुपात है, तो 4 और 3 का अनुपात ये होने वाला है, यानी कि ये लेंथ 4 होगी और ये लेंथ कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। ये तो खत्म ही हो गया, अब आपको एडी चाहिए, तो एडी आप डायरेक्टली बता सकते हैं, एडी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आप बोलेंगे सर 8 × 6 − 4 × 3, यानी कि 48 − 12 जो कि हो जाएगा 36, और एडी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, आप बोलेंगे सर 6, एडी आ जाएगा किसके बराबर 6, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है 6, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हैं, और थोड़े से क्वेश्चंस और देख लेते हैं इसी के ऊपर। ये एक ट्रायंगल है, एंगल बाइसेक्टर आपके सामने है, ये अगर आपके सामने 8 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है ये बताइए क्या होने वाला है। आपको पता है कि सर ये 8 है, ये 4 है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखिए डबल है, तो ये भी क्या होने वाला है, आप बोलेंगे सर ये 12 हो जाएगा, और अगर ये 12 हो गया तो आपको पता है कि जो ये क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर यानी कि x² बराबर किसके हो जाएगा, 12 × 8 − 6 × 4, यानी 12 × 8 = 96 − 24, या फिर 72, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी √72। किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। इसको अगर आपको और सोल्व करना है तो आप बोलेंगे सर 36 को 3 बार कर देंगे, यानी 6√3, ठीक है, सॉरी 36 को नहीं, सॉरी 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 36 को 2 बार करेंगे, 6√2। अब देखिए आगे की तरफ चलते हैं, अगला पार्ट इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिखा आपके सामने, अगर एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में एक एंगल बाइसेक्टर है, ये थीटा ही है, थीटा ही है, ये 8 है, ये 5 है, ये 4 है, ठीक है, आपसे ये वाली लेंथ पूछ ली है इस बारी, तो आपको ये वाली लेंथ बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करने की कोशिश करिए बिना वीडियो का सोल्यूशन देखे, ठीक है। तो ये 4 है, ये 8 है, मैं बोल रहा हूँ कि देखिए जस्ट डबल है, जस्ट डबल है, यानी कि अगर ये x/2 होगा तो ये x होगा, यहाँ तक किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। आप बोलेंगे फिर वही थ्योरम लगा दीजिए, 5 का स्क्वायर बराबर किसके होना चाहिए, 8 × x − 4 × x/2,
तो ये 25 बराबर आ जाएगा 6x के, तो x बराबर आ जाएगा 25/6। ठीक है, तो ये जो लेंथ है किसके बराबर, आप बोलेंगे सर 25/6 के। तो यहाँ तक सब बच्चों को बिल्कुल क्लियरली समझ में आ चुका होगा, काफ़ी इजी चीज़ें थी और आपने कुछ नया पक्का ही सीख लिया होगा। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें के बारे में बातें कर लेता हूँ, जो कि आपका इनसाइड रेशो, ये भी इस पे भी बेस क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है पहले। ट्रायंगल आपको दिया हुआ है ये ए बी सी, और आपकी सीवेज जैसा आ रही है इस तरीके से, कोई भी सीवेज है रैंडम। ठीक है, सीवेज आपकी आ चुकी है, मैंने इसको नाम दिया, ये डी है, ये ई है, ये आपका एफ है। अब आपको ये जहाँ पे कट रही है ये ओ पॉइंट है। अब आपको आपको देखिए एक थ्योरम पता होनी चाहिए, ए ओ बाय ए डी प्लस बी ओ, ऊपर वाले ले रहा हूँ अभी मैं सारे के सारे, बाय बी ई प्लस सी ओ बाय सी एफ बराबर होते हैं 2 के। ठीक है, और एक चीज़ इसी के साथ, अगर आप नीचे वाले को लेते हो, अगर देखिए ओ डी बाय, मैं ले रहा हूँ ए डी प्लस डी ई बाय बी ई, सॉरी ओ है ये, ओ ई बाय बी ई प्लस ओ एफ बाय सी एफ बराबर किसके होगा 1 के। ठीक है, तो देखिए ये इंटरनल रेशोज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए कैसे होते हैं, और इसी पे बेस्ड अगर मैं आपको कुछ बताऊँ, तो आप देखिए आपको पता होगा सेंट्रोइड, सेंट्रोइड किस रेशो में बांटता है, 2:1, 2:1, 2:1। यहाँ पे प्रॉपर्टी आप लगा के देखिए, ए ओ बाई ए डी यानी 2/3, ये भी 2/3 और वो भी 2/3, यानी कि देखिए कितना हो गया, 6/3 हो गया, यानी कि 2 आ गया। अगर आप नीचे लगाएंगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया। यानी कि देखिए हर एक सीवियर पे लगने वाली चीज़ें हैं ये, ना ही सिर्फ मीडियन पे, मीडियन में आपको लगा के दिखाया, बिल्कुल प्रूव्ड है। ऐसे कैसी कोई भी सीवियर हो, हर जगह वैलिड है, ये चीज़ वैलिड रहने वाली है ट्राइंगल्स के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, ये सीवियन है, ये भी एक सीवियन है। अभी देखिए मैं एमपीजी में आपको बताया नहीं है, एमपीजी में बेस्ड में क्वेश्चन करवा भी नहीं रहा हूँ। ये एबीसी है, ये डीईएफ है, और देखिए आपको दिया हुआ है ये 2:1 है, ये आपको दिया हुआ है 1:3 है, आपसे ये वाली रेशो पूछ ली गई है। तो आप एमपीजी से भी कर सकते हैं, बट आप ये राइट लो, आपको बस एक प्रॉपर्टी पता है, आपको पता है कि 2/3, अगर मैं पूरा लूँ, देखो अगर मैंने ओ लिया ए ओ बाई ए डी प्लस, अगर देखिए मैं ये वाली पार्ट लो कौन सा, बी ई यानी कि 1/4 प्लस, अगर सी ओ बाई ओ एफ ले लूँ, सी ओ बाय सी एफ ले लूँ बराबर किसके होगा 2 के, तो सी ओ बाई सी एफ मेरा इजीली निकल के आ जाएगा। आप बोलेंगे सर 2 में से घटा दो, 2/3 और 1/4। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लिया मैंने 12, 24 में से घटाया मैंने 8 में -3, यानी कि कितना हो गया, आप बोलेंगे सर हो गया 13/12। ठीक है, 13/12 हो गया। अब देखिए 13/12, एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, कुछ मिस्टेक करी होगी पक्का। जो भी है जैसा भी, आप लोग देख लेना खुद से, आपको पता होना चाहिए चीज़ें क्या हैं कैसे हैं। ठीक है भाई, तो ठीक है, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, आपको बस आपको ये चीज़ें निकालनी थी, आप निकाल के खुद से देख लेना कि अब तो मैंने डाटा गलत ले लिया, तो उस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे आंसर आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं, एक आधा क्वेश्चन और ले लेते हैं, सीवियर के ऊपर बेस्ड एरिया का क्वेश्चन मैं एक दिखाता हूँ आपको, ईजी सा क्वेश्चन है। ट्राइंगल एक सीवियर, ये डी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। आपको देखिए एरिया रेशियो पता होगा, जिस रेशियो में साइड होती है उसी रेशियो में एरिया होने वाला है, सेम बेस की बात हो रही है। तो दो सीवियर मैंने खींच दिया ऐसे, ये ई है, ये एफ है, ये डी है, और ये सब कुछ दे दिया। रेशियो में मैंने आपको दिया ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 4 है, और ये 1 है, और ये 3 है। आपसे मैंने पूछा एरिया का रेशियो बताना है आपको, ट्राइंगल ए एफ ई और एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो ये आपको रेशो बताना है, तो आप बता खुद से देखिए करके, बहुत इजी है। आपको ए एफ ई का एरिया चाहिए, देखिए पहले तो ए एफ ई की अगर बात करूँ, तो आप सिर्फ ये वाला ट्रायंगल देखिए कौन सा, ए डी ई, ए डी ई, अगर ये एरिया 1 है तो आप कहेंगे सर ये एरिया क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ देख ली, तो आपको ये पता चल गया कि सर 1 और 4 यानी कि अगर मैं बीच वाली लाइन मिटा दूँ, मेरे पास इसका कुछ काम नहीं है, तो ये शिट, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये 1 और 4 मैंने मिटाया, और ये पूरा का पूरा मैं बोल दूंगा ये एरिया हो गया 5। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर 3 की जगह क्या आया, 5, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो मेरे को ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3 + 2, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी, यानी कि ये किसका एरिया आ गया, ए डी सी का, ए डी सी का एरिया आ गया, जो किसकी वैल्यू है, 3 की वैल्यू है, देखो यहाँ पे 3 की वैल्यू, और मेरे को चाहिए क्या, 4 की वैल्यू, यानी कि देखिए पूरे ट्रायंगल का एरिया आ गया 100/9, पूरे ट्रायंगल का एरिया आ गया 100/9। मेरे को रेशो का एरिया चाहिए, ए एफ ई का कितना है, बोलेंगे सर 1 है, और ट्रायंगल का कितना है 100/9, यानी कि 9/100 क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है,
तो क्वेश्चन अभी हम लोग, मेरे को लगता है कि टाइम भी काफ़ी हो गया है और अभी सब लोग सोने वाले हैं तो सबको डिस्टर्ब होगा, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सेशन देखिए आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पहले वाली जो तुम्हें बनी थी वो काफ़ी बड़ी भी की बन गई थी, बट बताया मैंने आपको, मैंने साउंड मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं था मेरे बिल्कुल भी। तो ये वीडियो यहीं फिनिश करते हैं आज की, और जो बचा कुछ है वो अगले सेशन में हम लोग ले लेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगले सेशन में। और देखिए प्लीज़ जो भी आपके मन में सजेशन आता है उसको कमेंट करा करिए, क्योंकि उसी को मैं पढ़ता हूँ, उसी से मेरे को मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, ठीक है? सो बाय।